नजर बनाए हुए है। हालांकि हमें भी रोकने की कोशिश की जाती है, जगह जगह पे रिपोर्टिंग करने की रिपोर्ट मारा जाता है हमारे चैनल को कि आप इस चीज के बारे में सही चीज को नहीं दिखा सकते हैं। खुद मौके पे सिटी मजिस्ट्रेट DSP की गाड़ियां जो है मौजूद है और जो है इस मामले को जो है लगातार मार्च कर रही है। दिल्ली से और जितने भी छोटे जो पत्रकार है, जो यूट्यूबर पत्रकार है, तमाम जो कश्मीर के कुछ पत्रकार जो है पटना पहुंचे हैं जमीनी हकीकत को दिखाने के लिए, ताकि बिहार में क्या चल रहा है, बिहार में जो पत्रकारों को पत्रकारिता पे जो है अंकुश, कहीं ना कहीं ये विरोध का जो है प्रदर्शन जो है लगातार हो रहा है मनीष कश्यप को जेल जाने को लेकर। आज जो है मनीष कश्यप से जुड़ी हुई खबर भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। ईओयू का जो है पूछताछ जो है आज समाप्त हो गया है, पुनः मनीष कश्यप को बेऊर जेल जो है शिफ्ट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर होगी बिहार वासियों के लिए और बिहार झारखंड लाइव टुडे के माध्यम से जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मनीष कश्यप के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं, जो मनीष कश्यप के समर्थन के लिए लड़ रहे हैं, वो आप तस्वीर को देखें। यहाँ पे प्रशासन के जो लोग हैं यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कहीं ना कहीं से लोग जो लोग आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे मनीष कश्यप पे? मनीष कश्यप निर्दोष है, उनको जल्दी से रिहा करने का काम किया जाए, उनको छोड़ने का काम किया जाए। अगर वो नहीं छोड़ेंगे हम लोग ऐसे ही करेंगे। लाइव तस्वीर है बिहार झारखंड लाइव टुडे पे सीधा हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग हैं लगातार जो है इस चीज को देख रहे हैं कि सुबह से जो बंदी थी, बंदी का जो आक्रामक रूप था कहीं ना कहीं किसी कोई ना कोई जिले पे जो है दिखाई देने की कोशिश कर रही थी। और ये जो लोग हैं देखिए यहाँ पे जो है गांधी मैदान के पास जो है Gate No. 1 के पास जो है इन्हें रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है, हाथों में जो है प्रशासन का जो डंडा जो है वो उठ चुका है। अब क्या आगे होगा वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एकलौता न्यूज चैनल जो बिहार झारखंड लाइव टुडे है, जो एकलौता है जो इस चीज को दिखाने की कोशिश कर रही है मनीष कश्यप प्रकरण पे कि आगे क्या हो सकता है। जो अब जो है कहीं ना कहीं जब पुलिसिया कार्रवाई जो है उसकी भी तैयारी की जा रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रशासन के जो लोग हैं वो भी यहाँ पे एक्टिव हो गया है। ठीक है, पैरामिलिट्री जो भी यहाँ पे जो बटालियन है, जो अर्धसैनिक बल है, वो भी एक्टिव हो गया है। सभी के हाथों में जो है डंडा जो है एक्टिव हो गया है। खुद सिटी मजिस्ट्रेट जो है इस चीज को देख सकते हैं लीड कर रहे हैं, साथ में पटना SP DSP रैंक के जितने भी पदाधिकारी हैं। कुछ देर पहले सुबह से जब इस बंदी को लेकर लगातार जो तैयारी की गई थी, सुबह में जो लोगों की गिरफ्तारी की गई पटना में, और बिहार की जब हम बात करते हैं बिहार में जब भी बंदी होता है तो कारगिल चौक खो या डाकबंगला चौराहा हो, इस जैसे ही मार्च निकलता है तो प्रशासन को यहीं पे रोक दिया जाता है। देखिए धीरे धीरे प्रशासनिक अमला जो है भरने लगा है, तमाम जो गाड़ियां पुलिस की है वो यहां पे आप देख सकते हैं भरने लगा है, और जो लोगों की जो तस्वीर है आगे क्या होगा वो भी हम पल पल की रिपोर्ट दिखाएंगे इस लाइव के माध्यम से। आशुतोष कुमार जो है खुद इसका लीड कर रहे हैं और आशुतोष कुमार का बस एक ही कहना है कि आगे जो है क्या होगा नहीं होगा। हमारे साथ जो हमारे संवाददाता अविनाश जी हैं, अब आप लोगों से बातचीत करेंगे, सुनते रहे बिहार झारखंड लाइव। अभी का मैं ब्रेकिंग न्यूज दे दूं कि यहां पे पुलिस बल बढ़ा दिया गया है, रैपिड एक्शन फोर्स भी दिख रही है और बैरिकेडिंग तो लगा हुआ था। इन लोगों का प्लान था कि ये डाक बंगला चौराहा पर जाएंगे और वहां पर प्रदर्शन करेंगे, लेकिन इन्हें बीच रास्ते में मोना सिनेमा मौर्या होटल के पास Gate No. 12 के सामने, गांधी मैदान का जो Gate No. 12 है उसके सामने